हमारी भोजपुरी का कुछ नहीं हो सकता। हमारी भोजपुरी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है, हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी इंडिया में। तो आज का रिव्यू वीडियो प्रयागराज पर होने वाला है। तो जो भाई अपने इस भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर में लिखा होगा, और एक छोटा सा बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो अपने भाई के चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को और चलते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इस ट्रेलर को हमारे भोजपुरी के सारे कलाकार प्रमोशन किए हैं। सब कोई अपने अपने चैनल पे, अपने अपने फेसबुक अकाउंट पे लाइव आकर इस ट्रेलर के बारे में दो शब्द बोले हैं कि इस ट्रेलर को आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, एक बार जाके देखिए। सारे हमारे भोजपुरी के कलाकार, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको हटाकर सारे कलाकार इस ट्रेलर के बारे में बताए हैं, कुछ न कुछ बोले हैं। ये काफी खुशी की बात है, काफी अच्छा लगता है कि हमारी भोजपुरी अभी भी एक है, हमारे भोजपुरी के सारे कलाकार एक है, सब आपस में प्यार बनाए रखे और भोजपुरी को आगे ले जाए, यही हमारी कामना है। जिस तरह की इस मूवी में कहानी है ना, उस तरह से ट्रेलर को सजाया नहीं गया है। पहला गलती, ट्रेलर काफी लंबा है। इस ट्रेलर की बात नहीं बता रहे, अन्य भोजपुरी के जितने भी ट्रेलर आते हैं वो 4 मिनट प्लस ही होता है, 4 मिनट से किसी का कम नहीं होता है। शायद कोई ऐसा ट्रेलर होगा जो 4 मिनट से कम होगा, नहीं तो 4 मिनट से प्लस ही होता है। यह सबसे बड़ी गलती है भोजपुरी की। दूसरा गलती कि ये इस ट्रेलर की बता रहे हैं, दूसरा गलती ये है कि इस ट्रेलर में जिस तरह से सीन डाला गया है वो अच्छा नहीं है। जो कहानी है उस तरह से सीन को डाला नहीं गया है। स्टार्टिंग देखिए अच्छा है, लास्ट देखिए अच्छा है, लेकिन बीच का थोड़ा खराब है। बीच में आप थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं बोर हो जाइएगा, कहीं ना कहीं आप छोड़ के चले जाइएगा, उस तरह से डाला गया है। मतलब जो चाहिए वो चीज नहीं है। जिस तरह से ट्रेलर को सजाना चाहिए, बीच की थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा गलती है भाई। ट्रेलर एक ऐसा चीज होता है जो पूरी मूवी का बेस्ट सीन निकाल के ट्रेलर को बनाया जाता है, और ट्रेलर को देख के ही फिल्म का अंदाजा लगाया जाता है कि आखिर ट्रेलर में क्या चीज दिखाया गया तो फिल्म में क्या होगा। ट्रेलर को देखने के बाद ही कोई व्यक्ति इसको अंदाजा लगाता है। तो ट्रेलर में कुछ कमियां हैं, ये साफ साफ हम बोल रहे कमियां हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट है अरविंद अकेला कल्लू जी और यामिनी सिंह एंड अवधेश मिश्रा, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए है चंदन उपाध्याय, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है। फिल्म का नाम है प्रयागराज, पूरी कहानी इसी पे आधारित है। इस कहानी में बस दो ही चीज मेन है, एक प्रयागराज मेन और दूसरा का इस फिल्म में ये जो हीरो लव करते हैं, जिस लड़की से प्यार करते हैं वो प्रयागराज, और वो दोनों के दोनों एकदम मेन है। इस कहानी के मुख्य भूमिका यही दो है, इसी दो चीज पे पूरी फिल्म बनाया गया है। हम मानते हैं कि यह फिल्म नया है, इसमें नई कहानी डाला गया है, लेकिन जो लेवल का होना चाहिए वो लेवल का यह फिल्म है नहीं। भोजपुरी के जितने भी फिल्म आते हैं जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का है नहीं। आखिर भोजपुरी की कहानी, भोजपुरी का सीन भोजपुरी की तरह ही रह जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता ही नहीं है ये लोग, सबसे बड़ी गलती है। आप बताइए, अगर इस फिल्म से या भोजपुरी के किसी भी फिल्म को आप तुलना कीजिए किसी हिंदी या साउथ मूवी को, होगा उस तरह है ही नहीं। कुछ बड़ा करने की सोच ये लोग रखते ही नहीं है, और जो है जिस तरह की कहानी है उसमें भी कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। ट्रेलर को ये लोग शॉर्ट रखेंगे ये काफी अच्छा होता, लेकिन रखते नहीं है। जिस तरह का लेवल मिलना चाहिए भोजपुरी को वो मिलता नहीं है। ये लोग फिल्म बनाते हैं, नया कहानी लेके आते हैं और काफी मेहनत करते हैं, लेकिन जिस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक जा नहीं पाते ये लोग। कमी है, कुछ ना कुछ ऐसा कमी है जिसके कारण ये लोग नहीं कर पाते हैं। वो हीरो का कमी हो, डायरेक्टर का कमी हो, लेखक का कमी हो, या कुछ भी हो, लेकिन कमी तो है। बात किया जाए इस फिल्म की तो कहानी अच्छी है, कहानी नया है, लेकिन वो मजा जो चाहिए इस तरह के, जिस तरह की कहानी है उस तरह का जो मजा चाहिए वो है नहीं। प्रयागराज एक बड़ा धाम है, वहाँ के एक प्रकार की ये रक्षक है, कल्लू भैया एक प्रकार के रक्षक है। वहाँ इनके जो पिता रहते हैं, साधु रहते हैं, बाबा रहते हैं, वहाँ के ये एक प्रकार के रक्षक है, और वहाँ के जो अन्य जो विद्रोही है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं दुश्मन गुंडा, वहाँ की एक
बेटी होती है, जो हीरोइन रहती है, उन्हीं चीज का लव होता है। एक लव है और एक प्रयागराज, इसी पे पूरा फिल्म बनाया गया है। लेकिन फिल्म बहुत काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन जिस तरह का मजा चाहिए ना भाई वो नहीं है। ये सच में आप भोजपुरी के अन्य फिल्म भी उठा के देखिए, जो लेवल हिंदी का है, जो लेवल साउथ का भी जा रहा है, भोजपुरी उस लेवल तक क्यों नहीं जा रही है, जाने का प्रयास भी नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भोजपुरी का ही वीडियो जाता है। भोजपुरी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।